सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ इस टाइप के विंग कंसेप्ट फोटो एडिटिंग। सो गाइस, आप लोग देख ही सकते हो ये वाली एडिटिंग काफ़ी ओसम सी है। सो अगर आप लोग भी अपना फोटो इस टाइप का एडिट करना चाहते हो तो आज की हमारी इस वीडियो को कम्प्लीट एंड तक देखते रहना। एंड हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने जो बैकग्राउंड PNG का यूज़ किया है उनका लिंक आपको हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैंने। सो सिंपली से आप लोग जा कर के डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए गाइस, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे पिक्सआर्ट ऐप को। ओके सो गाइस, सबसे पहले हम लोगों ने ओपन किया है पिक्सआर्ट ऐप को। एंड पिक्सआर्ट ऐप के अंदर इस वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। सो आप लोग देख सकते हो ये वाले एक बैकग्राउंड अपने फुल HD क्वालिटी के अंदर है। सो इसके बाद मैंने गाइस इस वाले बैकग्राउंड को ड्रॉ टूल के ऑप्शन में ले आया हूँ। एंड आप लोग भी ड्रॉ टूल वाले ऑप्शन में चले जाना। देन आपको फर्स्ट में एक एम्प क्लियर मिलती है, इस वाले एम्प क्लियर पर अपने मॉडल को ऐड करना है। तो उसे ऐड करने के लिए हम लोग ऐड फोटो में चलेंगे। एंड यहाँ से हम लोग अपने मॉडल के कटआउट को ऐड कर लेंगे। तो गाइस, यहाँ से मैंने ऑलरेडी अपने मॉडल का बैकग्राउंड इरेज करके रखा है। सो अगर आप लोग को बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है तो इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिंपली से आप लोग जा करके उस वीडियो को देख सकते हो। एंड देन गाइस, हम लोगों ने अपने मॉडल को ऐड कर लिया है। एंड मॉडल को ऐड करने के बाद हम लोगों ने एक कैंप क्लियर बनाई है, इस एम्प लेयर को अपने मॉडल लेयर के नीचे रख लिया। एंड देन हम लोगों ने ब्रश को सिलेक्ट कर लिया। एंड आप लोग को नीचे की तरफ से शेडो बनानी है, तो शेडो बनाने के लिए हार्डनेस को बिल्कुल कम करेंगे एंड कुछ इस टाइप से यहाँ पर शेडो बनाएंगे। एंड गाइस, इस टाइप से शेडो बना लेने के बाद आपको लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग इसकी ओपेसिटी जितनी चाहो उतनी रख सकते हो। तो क्रीम मैं यहाँ से 60% तक रख लेता हूँ। एंड देन इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर लेते हैं ऊपर वाली को। ओके सो इसके बाद हम लोग एक एम्प लेयर बनाएंगे एंड इस एम्प लेयर को अपने मॉडल लेयर के नीचे रखेंगे। एंड इन लेयर पर हम लोग विंग्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ से विंग्स ऐड करने के लिए ऐड फोटो में चलते हैं। ओके सो गाइस, यहाँ से मैंने इन वाले विंग्स को ऐड कर लिया है। एंड इस विंग्स को ऐड करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग को कुछ स्टेप से लगा देना है। एंड इसे लगा लेने के बाद आप लोग को मैनुअली एक एक करके ऐड करना होगा। तो फर्स्ट ओवरऑल हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से राइट वाले को इरेज कर लेते हैं। सो यहाँ से हम लोग इरेजर को सिलेक्ट करते हैं एंड इरेजर की हार्डनेस को पूरा बढ़ा लेते हैं एंड साइज को भी फुल्ली बढ़ा लेते हैं। एंड अभी गाइस, हम लोग यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं। ओके सो गाइस, यहाँ से राइट वाले पार्ट को इरेज करने के बाद हम लोगों ने यहाँ से लेयर के पैनल पर क्लिक करना है एंड इसका एक कॉपी लेयर बना लेना है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म पर चलेंगे और ट्रांसफॉर्म पर जा करके दूसरी तरफ लगा लेंगे इस टाइप से। एंड दोनों तरफ लगा लेने के बाद इसको कर लेंगे टर्न। ओके सो गाइस, यहाँ से अच्छे तरीके से ऐड हो चुके हैं। एंड देन अभी हम लोग इन तीनों लेयर्स को मर्ज कर लेंगे। एंड देन अभी हम लोग यहाँ से ड्रॉ टूल से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ से कर देंगे हम लोग इसको डन और यहाँ से कर देंगे डिस्कार्ड। ओके सो गाइस, यहाँ से ड्रॉ टूल से बाहर आने के बाद आप लोग को क्या करना है, सिंपली से आपको ऐड फोटो में चले जाना है। एंड ऐड फोटो में जा करके अब की बार आप लोग को एक स्मोक का PNG मिलेगा, उसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो यहाँ से हम लोगों ने इस वाली स्मोक के PNG को ऐड कर लिया है। एंड इस PNG को आपको नीचे की तरफ कुछ स्टेप से लगा लेना है। ओके सो स्टेप से लगा देने के बाद फिर से ऐड फोटो में चलना है। एंड अभी आप लोग को यहाँ पर एक फेदर्स के PNG मिलेगा, तो उसको आप लोग को यहाँ पर ऐड कर लेना है। ओके सो यहाँ पर इसे ऐड करने के बाद पूरी पिक पर लगा लेना है एंड इसका ब्लेंडिंग मोड आपको मल्टीप्लाई रख देना है। इसके बाद इरेजर वाले ऑप्शन में चले जाना है एंड इरेजर में जाकर के इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आपके इरेजर में चलकर आप लोग को इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो भी अपने बॉडी के ऊपर आ रहा हो उसको इरेज कर लेना है मैनुअली। एंड इरेज करने के बाद गाइस इसको कर लेंगे हम लोग डन। एंड देन डन हो जाने के बाद फिर से अगेन डन कर लेंगे यहाँ से। एंड गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो कि अपनी पिक पूरी बनकर रेडी हो चुकी है। अभी इस फोटो में अंदर कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं। तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप को। एंड गाइस, ये वाला ऐप आपको प्ले स्टोर पर ईजिली मिल जाएगा, जिसे आप लोग ईजिली जाकर ये डाउनलोड कर सकते हो। तो हम लोग ओपन करते हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप को। ओके सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो हम लोगों ने अपने ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर इस वाली फोटो को इम्पोर्ट कर लिया है। एंड इस वाली फोटो को इम्पोर्ट करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जो कि लेयर वाला ऑप्शन है। एंड इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने एक लेयर ओपन हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को अपनी पिक के ऊपर क्लिक करना है। सो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन निकल के आएंगे।
सो सिंपली से आप लोग को यहाँ से इन वाले ऑप्शन में कलर बैलेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने तीन लाइन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग को यहाँ से फर्स्ट वाली लाइन को सिलेक्ट करना है एंड इसके अमाउंट को डिक्रीज साइड में रखना है, मतलब कि नेगेटिव साइड में रख देना है। सो जितना आप लोग इसको डिक्रीज करोगे अपनी फ़ोटो के अंदर एकदम अच्छी सी लुक आ जाएगी। तो मैं यहाँ से करीब 30% तक इसको रख लेता हूँ एंड देन इसको कर लेंगे डन। ओके सो गाइस अभी आप लोग देख ही सकते हैं, मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ। एंड आप लोग देखिए गाइस अपनी फ़ोटो के अंदर एक क्लिक के अंदर एकदम ऑसम सी लुक आ चुकी है। तो ये वाली लुक आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। एंड आप लोग को ये वाली एडिटिंग कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना।